10 लाख की नौकरी देना अब सरकार की बस की बात नहीं। तेजस्वी यादव बोल रहे हो कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो हम लोग 425 पूरे बिहार में बेरोजगार हुए हैं, तो उन्हें क्यों नहीं रखा जा रहा है? खाने पे आफत हो गई है, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि आज जेडीयू की ओर से जनता दरबार लगाया गया था। इस जनता दरबार में तमाम फरियादीगण आए थे और तमाम फरियादीगण अपनी बात कहने के लिए आए हैं। तमाम यहां फरियादीगण हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या फरियादें हैं। क्या नाम हुआ सर अपना? संजय कुमार। कहाँ से आए जी? कहाँ से आए हैं? दरभंगा। दरभंगा से क्या कुछ फरियाद लेकर के आए थे? हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक हैं, 3 साल खटा करके भर्ती कर दिया, नौकरी से हटा दिया हुआ। मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी तो आश्वासन क्या बार दिए हैं, अभी तक काम कहाँ हुआ हम लोगों का, कहाँ वापस गए हम लोग? तो काम कब होने की आश्वासन दिए होंगे ना? फिर बोले हैं जो हो जाएगा काम आप लोगों का। काम हो जाएगा आप लोगों का? हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ। कहाँ से हैं कुणाल जी? छपरा। छपरा से क्या कुछ फरियाद लेकर के आए थे यहाँ? जैसे हम लोग पिछले 3 वर्षों से कार्यरत थे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत, ICDS विभाग होता है प्रखंड स्तर पे, तो उसमें 2 पोस्ट का बहाली हुआ था प्रखंड स्तर पे और 2 पोस्ट का हुआ था DPO कार्यक्रम पदाधिकारी के पास, जिला स्तर पर था। एक ही लेटर पर 4 स्टाफ का बहाली किया गया राष्ट्रीय पोषण अभियान में। 17 में केंद्र सरकार का राष्ट्रीय पोषण अभियान आया था, हर राज्य अपना अपना बहाली, जैसे बिहार में बिहार समान प्रशासन विभाग के विज्ञप्ति के अनुसार हम लोग का सरकारी पैनल बना था, जिसमें DDC और DM साहब अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व के अनुसार कमेटी में हम लोग का बहाली हुआ। मेरिट लिस्ट निकाला गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया, इंटरव्यू हुआ। 3 साल ड्यूटी करने के बाद हम लोग को एकाएक हटा दिया गया पद को डिसकनेक्ट करते हुए कि सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 जो 1 अगस्त को आया 2022 में, उसमें हम लोग का कोई जिक्र नहीं था। इसके बिहेव में यहाँ के ICDS के डायरेक्टर ने चिट्ठी निकाला कि इन लोग का पद 31 अगस्त को समाप्त किया जा रहा है। तब से हम लोग धरना प्रदर्शन किए गर्दनी बाग में, 1 महीना लगातार किए, आश्वासन मिला। फाइल भी यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि फाइल बन के 6 महीने से रखा हुआ है, वित्त विभाग में जा रहा है तो वहाँ प्लानिंग में जा रहा है, ऐसे ही घुमा फिरा के हम लोग को टरकाया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि हम लोग 4 बार आए हैं जनता दरबार में, जदयू कार्यालय में। मंत्री जी आज भी आश्वासन दिए हैं कि सरकार पर बात चल रही है आप लोग के अगेंस्ट में, कि बात आप लोग को रखा जाए। इसके पहले भी मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि माननीय मंत्री जी के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। 8 महीना से हम लोग तो मैंने उनका ऐसा महीना का कोई भी दिन नहीं है जो महीना में हम लोग 2-4 बार उनसे नहीं मिले, और जब भी गए हैं तब भी आश्वासने के सिवा मिला है। और तो लगता है कि विभाग और विभाग के मंत्री महोदय के द्वारा हम लोग को भ्रमित किया जा रहा है, और हम लोग को आर्थिक स्थिति से इतना तोड़ दिया गया है कि हम लोग पटना उनके आवास तक ना पहुँचे, और इसमें सरकार की भी भूमिका है। और सरकार जो बार बार 10 लाख नौकरी देने की बात कर रही है, तो जब 425 लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो 10 लाख की नौकरी देना अब सरकार की बस की बात नहीं है। क्या आपकी फरियाद क्या थी? हमारी फरियाद थी कि हम लोग जो 3 साल से काम किए हैं। क्या काम किए? हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक हैं। चलिए, कहाँ से आए हैं आप? हम भोजपुर से आए हैं। भोजपुर से आए? क्या नाम हुआ? सुमंत कुमार। क्या नाम हुआ? मेरा मनीष कुमार नाम हुआ। मनीष जी कहाँ से आए हैं आप? हम लोग नवादा जिला से आए हैं, पूरे बिहार से आए हुए हैं, ठीक है, 3800 जिला से। हम लोग समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत CDPO कार्यालय में लगभग 3 साल कार्य किए, अचानक एक लेटर निकाल करके हम लोग को बिना सूचना दिए हुए हम लोग को हटा दिया गया, और हम लोग 9 महीना से दर दर भटके। डायरेक्टर ऑफिस चाहे निदेशक महोदय या हमारे जो मंत्री है विभाग के, समाज कल्याण विभाग मंत्री, उनसे हम लोग लगातार मिल रहे हैं, उनके आवास पर जा रहे हैं, पार्टी कार्यालय में भी आए हुए हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग को रख लिया जाएगा। इसी विभाग में बहुत सारा रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं, हम उन्हें उसी में समायोजन कर लिया जाएगा, बशर्ते हमें लग रहा है जहाँ तक ये लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, 9 महीना बीत चुका है, अभी तक किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं है कि हम लोग को रखा जाए। और बिहार सरकार, हमारे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री जो है बिहार सरकार के, कि 10 लाख रोजगार देंगे,
तो 10 लाख रोजगार दे सकते हैं, तो हम लोग 425 पूरे बिहार में बेरोजगार हुए हैं, तो उन्हें क्यों नहीं रखा जा रहा है? कहीं ना कहीं हम लोग को ये लोग तड़काने वाला काम कर रहे हैं। आज हम लोग पूरे 3800 जिला से, विभिन्न जिला से आए हुए हैं सभी लोग जदयू कार्यालय पटना में, और अपनी को मांगों को लेकर बात की। कहाँ से आए आप? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, लेकिन बिहार के मतलब प्रत्येक मनोज कुमार। हाँ, क्या फरियादें हैं आपकी? फरियाद यही है कि प्रखंड परियोजना सहायक जो कार्यरत जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, प्रत्येक ICTS कार्यालय में मतलब कार्यरत था, उसको हटा दिया गया है, उसको पुनः वापसी के लिए हम लोग आए हुए हैं मंत्री जी के जनता दरबार में। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन पूर्व में भी मिला था कि आप लोग अविलंब आने वाले हैं, 9 महीना बीत गया, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। तब हम लोग दौड़ दौड़ के यहाँ पर आते हैं और समाज कल्याण विभाग में जाते हैं, यही बात है। चलिए, और लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर अपना? जी, अख्तर अहमद हुआ। अख्तर अहमद कहाँ से आए हैं? सारण से। सारण से? क्या सारण? सारण। जी जी। क्या कुछ फरियादें हैं आपकी? जी, हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक पढ़ते हैं और मंत्री जी से मिले हुए हैं और उनसे कहे हुए हैं कि हम लोग आश्वासन बार बार मिल रहा है, 9 महीने से लगातार आश्वासन मिल रहा है, और हम उस आश्वासन पर सर से चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की बहाली जहाँ थे अपने अपने ब्लॉक पर चले जाएँ, ताकि जितने लोग आज महिलाओं की भी संख्या आप देख रहे ज़्यादा है, और इस धूप तपिश में किसी का भी कुछ हो सकता है, बच्चे भी लोग लेके आई हैं, काफ़ी परेशानी हो रहा है। हम लोग सरकार से यही उम्मीद लगाए कि जल्द से जल्द अपने अपने ब्लॉक चले जाएँ, ताकि सब लोग जो बेरोजगार है वो रोजगार हो जाए। चलिए, क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। प्रदीप कुमार जी कहाँ से आए? छपरा। छपरा से। क्या कुछ फरियाद लेकर आए थे? सर, फरियाद लेके आए थे, प्रखंड परियोजना पद पे 3 साल से कार्य करते हैं सर, ठीक है, और सब 15 हज़ार की सैलरी थी, ठीक है, उसी से गुजारा हम करते थे। अब उस पर भी मैंने 3 लाख रुपया लोन ले चुका है उसी जॉब पे, ठीक है, मैंने लोन तो अब देना तो दूर रहा, उसका किस्त भी देना मुश्किल रहा, उसका इंटरेस्ट मैंने कल ही दिया है, 16-17 हज़ार रुपया मैंने इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, कहाँ से देंगे सर? 9 महीने हो गए अभी तक ले, खाने पर आफत हो गई है, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं, बाल बच्चे भी ऐसे ही हो गए, कोई किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं। मंत्री जी क्या आश्वासन दिए? मंत्री जी तो 9 महीने से कह रहे हैं कि होगा होगा होगा, अभी तक ले हुआ नहीं है, इसी आशा में आशा लेके आए थे। चलिए, अभी भी आशा दिख रहा है कि हो जाए। प्रखंड परियोजना सहायक जो लगातार अपने अपने प्रखंड में काम कर रहे थे, उनको किसी कारणवश डिसमिस कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था, लेकिन अब इन लोगों की गुहार है कि हमें दोबारा अपने पद पर रखा जाए। इसको लेकर के इन्होंने यहाँ मदन सहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं उनसे मिले और अपनी फरियाद बताई। फरियाद के आधार पर इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। कैमरामैन जैकी के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।